बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम तौकीर अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर एजुकेशन सिस्टम। उम्मीद है सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बीए के रिजल्ट के हवाले से कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान हैं जिनके अभी तक फाइनली ऑफिशियली रिजल्ट तो नहीं आया। जहां आप लोग रिजल्ट अपना चेक कर रहे हैं वहां पर जो आपको मार्क्स शो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपके फाइनल मार्क्स में 50 से ऊपर नंबर है, फिर भी आपको जो है ना एफ़ ग्रेड में शामिल कर दिया गया है। आप बहुत परेशान हैं कि हमको फेल कर दिया गया है, 50 से भी ऊपर नंबर है, हमें क्यों फेल कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कितने जो फीसद वाला पास होगा, कितने नंबर वाला पास होगा और कितने नंबर वाला पास नहीं होगा। तो चलते हैं आज की इस छोटी सी वीडियो के जाना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द अज जल्द मिल जाए। तो जी स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने बीकॉम का रिजल्ट अनाउंस करना था स्प्रिंग 2022 का, जो कि अभी तक ऑफिशियली रिजल्ट अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अनाउंस नहीं किया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन का शिकार हैं। ये आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं फाइनल जो एग्ज़ाम है इस स्टूडेंट का, जो फाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स है ये इसने लिए हुए हैं 56 मार्क्स लिए हुए हैं, फिर भी इसको क्या है कि इसका ग्रेड एफ़ में जा रहा है और इसको फेल कर दिया गया है। उसके बाद और स्टूडेंट आपको दिखाते हैं, ये भी स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं, इसके 65 मार्क्स हैं फाइनल एग्ज़ाम में, असाइनमेंट्स के मार्क्स भी इसके लगे हुए हैं, लेकिन इसका जो है ना ए ग्रेड दिया गया है। इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं जिनके यहाँ पर नंबर फाइनल एग्ज़ाम में 50 से ऊपर दिए गए हैं, वो उनको क्या है कि फेल कर दिया गया है। पहली बात तो आपको बताते चले कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अभी ऑफिशियली तौर पर आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस नहीं किया। जिन स्टूडेंट के 50 से नीचे नंबर हैं, 50 से कम मार्क्स हैं, वो कंसिडर्ड फेल में ही होंगे। अमूमन तौर पर वो फेल ही हैं, वो किसी किस्म की ख्वाहिशात में ना वो रहें कि हमें पास कर दिया जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, 50 से नीचे वाला फेल ही है। आपको बताते चलें जिनके 50 से ऊपर नंबर हैं, आपको बताते चलें जिनके 50 से ऊपर नंबर हैं फिर भी आपको फेल कर दिया गया है। लेकिन ये उस वक्त आप लोग देख सकते हैं जिस वक्त अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अपना ऑफिशियली रिज़ल्ट अनाउंस करेगी, क्योंकि अभी ऑफिशियली रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ, अभी पेपर के मार्क्स जारी हुए हैं, अभी ऑफिशियली आप लोग वेट करें, ऑफिशियली रिजल्ट का वेट करें, फिर भी जिन स्टूडेंट के 50 से ऊपर नंबर हैं उनको फेल कर दिया गया है, तो उसका एक अलहदा प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे किस तरह आप लोग अपना रिजल्ट ठीक करवा सकते हैं, किस तरह आप लोग अपनी करेक्शन करवा सकते हैं मार्क्स में। तो जिन लोगों के 50 से जिन स्टूडेंट के 50 से कम नंबर हैं वो फेल ही हैं, उनको दोबारा अपना उन सब्जेक्ट का एडमिशन भेजना पड़ेगा। जिनके 50 से ऊपर नंबर है फाइनल एग्ज़ाम के बाद भी 50 से ऊपर नंबर है फिर भी फेल है, तो उनके लिए इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोग किस तरह अपना रिज़ल्ट सही करवा सकते हैं। तो ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो को समझ आ गई होगी, आप लोग परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, अभी आप लोग ऑफिशियली रिज़ल्ट का वेट करें, जैसे ऑफिशियली रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद आप लोगों को कह सकते हैं कि हाँ 50 से ऊपर नंबर हैं तो हमें फेल क्यों कर दिया गया है। अगर 50 से ऊपर नंबर दिए गए हैं आपके तो ऑफिशियल रिज़ल्ट के बाद वो फिर आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे कि किस तरह आप लोग अपना वो करेंगे, उसकी अपना रिज़ल्ट की करेक्शन कराएँगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी, अब हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।